सो हाय गाइस, ये है नाइट का टाइम अराउंड 12 o'clock। देन यहाँ जो है सीन, अभी हम लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं बिकॉज सामने जो है पूरा पानी भरा हुआ है। आई नो थोड़ा सा नाइट है तो मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर। और ये है वकार भाई, हाय। सो हम अभी जस्ट निकल रहे हैं, मैं आपको आगे दिखाना चाहूँ। लाइक सी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पानी भरा हुआ है। सो हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरी बाइक। देन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो सीन ऐसा है कि ये पूरा पानी भरा हुआ है। देन आगे का रास्ता टोटली जाम है। सो आगे हम देखते हैं, निकलते हैं, क्या सीन है जैसा भी। सो उत्कर्ष हाय। ओके हाय फॉर दिस माई बाइक। एंड हम अभी निकलते हैं इस रास्ते से। ये है यहाँ पर हम अभी स्टे हो चुके हैं। देन ये लोकेशन है जहाँ पर हम अभी अंदर जाके एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना बाइक यहाँ पार्क कर दिया है। आफ्टर दैट यहाँ पर ये है प्लेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, देन जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं एवं वकार भाई सारी चीज़ें कैरी कर चुके हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हॉन्टेड सा प्लेस है। सो आई थिंक वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैं ऐसे इन्वायरमेंट में फर्स्ट टाइम आया हूँ। लकड़ी कलेक्ट कर रहे हैं एंड हम इसको अभी जस्ट जलाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हम अभी कलेक्ट करके यू नो आग जलाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हॉन्टेड सा प्लेस है। लाइक सी मैं आपको आगे तक भी एक्सप्लोर कराता हूँ। मे भी यहाँ बहुत ज़्यादा आपको सन्नाटा देखने को मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वकार भैया जो यहाँ पे अभी लकड़ी कलेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे जस्ट अभी आग जलाने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ पर अभी जस्ट हम मेहनत कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो अननोन सा प्लेस। तो यहाँ पे हम अभी आग जस्ट लगा रहे हैं। हमें यहाँ पे आग जलाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज सारी जो लकड़ी है वो सूखी नहीं है। पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आग को जलने में। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे यू नो जल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो आग पूरी तरीके से जल चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास अच्छे खासे क्वान्टिटी में लकड़ी भी है जिससे हम आगे इसको और स्टे कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सो लाइक दिस टाइप से है। देन यहाँ पे है नॉर्मली कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसे हम कैरी करके लेके आए हैं, आगे हम इसे यूज करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर वे में यहाँ पे आग जल रहा है। देन ये जो इन्वायरमेंट है काफ़ी वेस्ट लगा बिकॉज ये लाइफ में मेरा फर्स्ट टाइम था यू नो नाइट में आके ऐसे कुछ ट्राई करना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में अननोन रहती है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस में आना कई लोगों को अच्छा लगता है। देन मुझे ये मेरा लाइफ का समथिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देन ये जो इफेक्ट आ रहा है यू नो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आग। सो इसके यू नो ये इन्वायरमेंट की वजह से ये जो रेड रेड इफेक्ट आ रहा है। देन काफ़ी कूल सा प्लेस है, मैंने ऐसा कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई किया
यहाँ पर आप देख सकते हो। सो आगे इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की कुछ जो भी चीज़ें हैं मैं आपको आगे ब्लॉग में वॉच करके दिखाने वाला हूँ।